चंदा बस ए दीजो अगले जन्म अगले तो भले ही चंगी घूम रही है। बीमार कहां से लग रही है ससुरी? बीमार? बीमार कौन है भाई जी? कहीं हमारा चेहरा मुरझाया हुआ तो नहीं लग रहा? लाली सब का है? अच्छे लग रहे हैं ना? वो कहे कि नया नया जेब डाले हैं। यहाँ देखिए। एकदम नया है। अब बाद में ऐसे नहीं हारिएगा। कहे कि गांव वाले लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलते हैं भाई जी अभी। चलिए। चलिए ना। पीछे से आ जाइएगा हम जा रहे हैं। नए भेस में पहली बार देखे भाई। तो बैठ तो गए, बैठे ना आप लोग भी। हाँ तो हम यहाँ फैसला सुनाने आए थे। बहुत से सोचे समझे हम और सोच विचार करने के बाद ये नतीजा पर पहुंचे कि लखनवा के साथ तो नाइंसाफी हुआ है। अब जोर जबरदस्ती के साथ लखनवा का ब्याह कर दिया गया। आजकल तो गाय बैल भी जबरदस्ती बस में नहीं आता तो लखनवा कैसे आएगा? तो हमको लगता है कि लखनवा को आजादी दे देना चाहिए ब्याह से। कहे कि ब्याह में अगर पति पत्नी आपस में खुद से नहीं है, कलेश रोज हो रहा है तो क्या फायदा? तो फैसला ये कि लड़की वाले भाई अपना लड़की को घर लेकर जाए और लखनवा को मुक्ति दे। भाई उसका जिंदगी है आगे, अपना जिएगा जैसे जीना है। बस इतना ही फैसला है। हम चलते हैं करना। अरे ये कैसा फैसला सुनाया आपने? अपना फैसला सुनाने से पहले एक बार आपने हमारी बेटी के बारे में नहीं सोची?
अरे आप भी तो केहू की बेटी हैं। इतना कठोर फैसला सुनाने के बाद क्या आपको हमारी बेटी की जरा भी याद नहीं आई? क्या करेगी हमारी बेटी, कैसे मुंह दिखाएगी इस समाज को? बदरी, अरे ई का बेटा हमारी बिटिया के पीछे पड़ गया था, हट बाजार में उसको छेड़ता रहता था। अरे बहुत सुने थे हम आपके बारे में कि लाली देवी बहुत ही अच्छा फैसला सुनाती हैं। अरे जो औरत अपनी बहन की ना हो सकी वो केहू के बारे में का अच्छा सोचेगी? जब एक बार लखन ने हमारी बिटिया को छोड़ने का बात किया था तो जान देने पर उतारू हो गई थी वो। इस फैसले के बाद अगर उसे कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगी। एक गरीब बाप का हाय लगेगा आपको, अम्मी बद्दुआ लगेगी आपको, आप चैन से नहीं रह पाएंगी। अरे अम्मी बस कभी बिटिया का काम सरपंच है। आप घबराइए मत, आप बताइए आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? साफ साफ बताओ ना क्या हुआ? कमरा में चलिए। देखिए छोटे ठाकुर सब आप
यहाँ पर जो जो आपका फोटो है ना छोटे ठाकुर, इस पर अभी माला चढ़ाया हुआ था। सामने में यह दिया जला के रखा हुआ था। वहाँ टेबल पर जहाँ अभी किताब रखा हुआ है वहाँ पर साड़ी रखा हुआ था उजला रंग का। सफेद साड़ी यहाँ कहाँ चल गई? ऐसे कहे देख रहे आप हमको? हम सच कह रहे। अभी मिनट भर पहले यहाँ पर माला चढ़ा हुआ था, एलियन चिल्लाए थे और आपको बुलाने गए। पता नहीं कौन जानबूझकर किया है कि गलती से तो ये कोई नहीं करेगा। कौन जानबूझकर एक और नया तमाशा। लाली देवी का नाटक नौटंकी पता नहीं कब खत्म होगा। मान रहे ना? हाँ लाली, तुम ठीक कह रही हो, पर देखो ना अभी तो कुछ नहीं है ऐसा। अभी नहीं है छोटे ठाकुर, बाकी था। अभी नहीं है। आपको ना निकाल दिया है अभी आकर के। तेरी सब हो कर रहा है। पहले ब्राह्मण भोज मांगुआ, फिर जमुनी के ऊपर हमला, वो ऊंची सैंडल वाली औरत, लाली का फोटो, आग, और अब हमारे फोटो के ऊपर हाथ। आखिर देखा ही कौन कर रहा है? कौन हो सकता है? Thank you.
अच्छा तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमको कौनो आवाज सुनाई दी तो हमको लगा कि माधव होगा, शायद दूध दूध मांग रहा हो, इसलिए हम उसी को देखने आए। मुझे भी यहाँ से कुछ आवाज सुनाई दी थी, इसलिए मैं आया था। तुमने भी कुछ सुना था क्या? हाँ सुने तो हम भी थे, पता नहीं कहा था। कहीं देखा तो नहीं? इतना अकेले कहाँ बैठी हो? आसमान में टूटता हुआ तारा देख रहे थे, सोचिए आज भगवान जी को धन्यवाद कहते, और मन में एक मुराद भी था, तो सोचिए आज वो टूटता तारा से मुराद भी मांग ले। हमको भी बताओ, पहले धन्यवाद दे रही थी भगवान को, और ये मुराद है का? धन्यवाद ये बात का कि वो हमारी जिंदगी में आपको और माधव को दिए, और मुराद ये बात का मांग रहे थे कि हर जन्म में वो आपको और माधव को हमारी जिंदगी में दे। आज बहुत ही खुश हैं हम, भगवान के आशीर्वाद से आप ठीक भी हो गए, और आज इतना दिन बाद ऐसे साथ में बैठे हैं हम। हमरे ऊपर तो तुम्हारा पूरा का पूरा हक गला ले, कैसे कि आज जो हम ठीक हो पाए हैं तुम्हारे कारण तो हो। ऐसा नहीं है छोटे ठा, तुमने कितनी तकलीफ उठाई हमरे कारण, पर अफसोस तो हमको ये बात का है कि हम तुमको कुछ हो दे नहीं पाए आज तक। ऐसे क्या कर रहे हो? ऐसा है लाली, पर अब ऐसा नहीं होगा, दुनिया की हर खुशी हम तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। ऐसा कैसे कह रहे हैं आप कि कुछ दे नहीं पाए? हमारी जिंदगी में जो कुछ भी है वो आपका ही तो दिया हुआ है, आप और माधव हमारी जिंदगी में है ना, तो एकदम पूरा लगता है हमको। अच्छा हम एक बात सोच रहे थे आज, हमको लगता है कि तुम्हारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारियाँ, तो हम सोचे हैं कि आज से ये हवेली जमीन ये सब का जिम्मेदारी हम रही, और तुम संभालो अपना सरपंच की गद्दी। पता है छोटे ठाकुर, आज यही बात हम आपसे कहने वाले थे, हम कहने वाले थे कि अब ये सब जिम्मेदारी आप उठाइए।